लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रविवार को एक आवश्यक बैठक का आयोजन गोलघर स्थित एक होटल में किया गया। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, अग्रिम प्रभारी और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पार्टी की कमियों को बताकर उन्हें दूर करने के लिए, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, जन जन तक जाकर पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में लोगों को बताने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव, महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी, टीपी शाही, शरदेंदु पांडे, डॉक्टर सुरहिता करीम, डॉक्टर एसपी त्रिपाठी, राणा राहुल सिंह, राम जन्म यादव, अभिजीत पाठक, स्नेहलता चतुर्वेदी और कांग्रेस के सदस्य व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर शिशुपाल सिंह पुरोहित ने कहा, और करना कुछ नहीं, उपाय नहीं बताना, उसको किस तरीके से अचीव करना। जो पॉइंट, जो मुद्दा एक साथी बोलेगा, सिप्ट के अंदर अपनी बात, महत्वपूर्ण कोई मुद्दा, कोई महत्वपूर्ण ऐसी बात, कोई महत्वपूर्ण ऐसा सुझाव, और प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए जिस तरीके से सभी का नंबर आएगा, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके साथ में, जो विधानसभा के प्रभारी लगा रखे हैं हमने साथ, अपना तालमेल बिठा लें, और बूथ कमेटियों का गठन कब करके दे रहे हैं, किस स्थिति में है, कहां तक पहुंचा है, पूरा आपका सम्मान है। बस एक हम मर्यादा में रहे, कांग्रेस मजबूत करने आए हैं, कोई भी हमारी बात किसी बात से, हमारी पार्टी कमजोर हो, हमारे नेताओं का जो एक मंशा है हिंदुस्तान के अंदर, जो हालात चल रहे हैं जिस तरीके से, उसमें आज आमो आवाम कांग्रेस की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की और माननीय राहुल जी और प्रियंका जी की और बहुत आशा और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। हाथों में अपना समय का अभाव हो तो जो मूल मुद्दे हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करके छोटा पर्चा अगर बनवा ले तो वो पर्चा हम लोग बांट सकते हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को यूज कर सकते हैं, सब जगह दे सकते हैं। और ये एक प्रैक्टिकल सुझाव है मेरी तरफ से, क्योंकि हम लोग देखिए परमानेंट जो करने वाले लोग हैं, हम ज्यादा बौद्धिक और बहुत ज्यादा हम काम करने की उम्मीद करते हैं। राहुल जी ने कल अपने भाषण में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई मिडिल क्लास के ऊपर कोई टैक्स इससे बढ़ेगा नहीं। अर्थशास्त्री इस पर विचार कर चुके हैं कि किस तरह से ये पैसा निकाला जाएगा सिस्टम से। तो मेरा यही एक आवेदन है, इसमें जो भी हम लोग सहयोग की आवश्यकता है वो आप हम लोग को बताइए, हम लोग आपके सिपाही हैं, आप लोग जैसा आदेश करेंगे वैसे हम लोग चलेंगे। जय जय बहुत जरूरी है कि हम राष्ट्रद्रोह का कॉकलाज नहीं खत्म कर रहे हैं अपने संविधान से, हम राजद्रोह का संविधान से खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर डेमोक्रेसी क्या है? सरकार जो भी चाहेगी वो करेगी और जैसा भी चाहेगी वो करेगी। तो वो उसको खत्म किया जा रहा है कि आप सरकार की खिलाफत कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, और देश के खिलाफ की जो आर्टिकल है वो दोनों, वो आर्टिकल रहेंगी, वो नहीं खत्म होगी। ये दुष्प्रचार कर रही है जो भाजपा के लोग हैं कि देखिए इस तरह से आतंकवादियों को उन्होंने प्रोत्साहन। देखिए जिस तरीके से पिछले 2014 के चुनाव में झूठे वादे करके, झूठे जुमलों के साथ, बहुत बड़े बड़े बात करके माननीय मोदी जी ने हिंदुस्तान की आवो आवाम को, जनता को, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग के साथ छलावा करके, पहले उन्होंने इतने सपने दिखाए कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो युवा इस बात के ऊपर उनके सपने पर लगे कि हमें रोज़गार देंगे, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो युवाओं ने एक पल उन पर भरोसा किया। उन्होंने किसानों से कहा कि हम आपका कर्जा माफ़ कर देंगे, आपकी फसल का 2 गुना दाम दिलवाएंगे, और किसान जो आत्महत्या की ओर मजबूरन उसको बढ़ना पड़ रहा है, उसके बदले में हम उनके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे, किसानों का भविष्य बदल देंगे। उसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा की बात, चाहे उनके सम्मान की बात, तो हर वर्ग को उन्होंने जिस तरीके से जुमलेबाजी के अंदर दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने अपने भ्रमजाल में उलझाया, और एक बार हिंदुस्तान की जनता ने उन पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत दिया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता, हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस किया इन पिछले 5 वर्षों में। कहाँ गए रोजगार,
रोजगार, नया रोजगार देने की बात तो अलग है। मैं आपके माध्यम से गोरखपुर की जनता को ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक बार बहुत अच्छे से उनको ये मैं चेताना चाहता हूँ कि आप किसी भी भ्रम जाल में ना आए। ना तो रोजगार दिया, ना किसानों का कोई भला किया, ना युवाओं का कोई भला किया, ना महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ किया, सिवाय झूठ और छल चपट के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। जबकि राहुल जी ने जो अभी हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस का आपके माध्यम से जनता के सामने आया है, उसमें राहुल जी ने ये वचन दिया है और वो जो कहते हैं वो करते हैं, ये कांग्रेस की फितरत है कि जो कहा है वो करेंगे, वही कहेंगे जो कर सकेंगे। जिस तरीके से पिछले विधानसभा के 5 राज्यों के चुनावों में सम्माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये वादा किया कि आप हमें मौका दीजिए आपकी सेवा का, हम किसानों के दुख दर्द को समझते हैं बहुत अच्छे से, और आपका कर्जा 10 दिन के अंदर अंदर जब कांग्रेस का शासन आपके प्रांत में आएगा 10 दिन में कर्जा माफ़ होगा। ये मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताना चाह रहा हूँ, एक संकल्प के साथ में राहुल जी ने जो वादा किया 2 और 3 दिन के अंदर, जबकि मध्य प्रदेश में उसी दिन कमलनाथ जी ने कर्जा माफ़ किया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2 दिन के अंदर उन किसानों का कर्जा माफ़ किया, ये पूरे मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम को ये बात पता है। उसी प्रकार मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपया गरीबों के खाते में, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे। कहाँ गया तो काला धन, हम विदेशों से ये लिया, ये बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बातें करके झूठे झपट्टे करके उन्होंने कुर्सी तो हथिया ली सत्ता, लेकिन उनका एक ही मकसद है, हिंदू मुस्लिम करो, जातियों में बांटो, समाज को बांटो, इस हिंदुस्तान को एकता नहीं उसको विखंडित कर दो, लेकिन अपनी सत्ता को बचा के रखो। जबकि कांग्रेस का ये ही सिद्धांत है, राहुल जी ने वादा किया कि हिंदुस्तान के 5 करोड़ उन गरीबतम परिवारों को, जिनको 25 करोड़ हिंदुस्तान के नागरिकों को, जनता को सीधा लाभ मिलेगा, 1 महीने का 6,000 रुपया यानी कि 72,000 रुपये प्रति वर्ष उनको सम्मान के रूप में, न्याय के रूप में, एक न्याय योजना के रूप में राहुल जी ने एक बहुत अच्छी योजना, एक बहुत गरीबों के उत्थान के लिए जो लेके आए हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे नेता का बहुत अभिवादन करते हैं कि उन्होंने एक गरीब के लिए, उनके दिल में दर्द और संवेदना होने की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। और ये निर्णय भाजपा भ्रम फैला रही है कि कहाँ से देंगे, क्या देंगे, अरे तुम 15 लाख रुपया नहीं दे पाए, वो तुम्हारी नियत ही नहीं थी, लेकिन और वो तुमने सत्ता की खातिर एक सीमा से बाहर चल के आप बोल गए। लेकिन राहुल जी ने जो हमारे वित्तीय सलाहकार हैं, बहुत ही बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन सब से पिछले 8 महीनों में उन्होंने चर्चा की है, और फाइनली रघुराम राजन जी जो रिजर्व बैंक के बहुत ही होनहार एक अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उनके साथ में 9 घंटे तक गहन चिंतन मंथन और मंत्रणा की, और सारे ठोस उपायों के साथ में कि जो कर सकते हैं वही, तो ये 72,000 रुपया एक इतना बड़ा एक कांग्रेस का एक कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड होगा, जो सारे इनके ढकोसलों को और इनके हिंदू मुस्लिम को, क्योंकि इनकी अब कुर्सी हिलने लग गई है, अब इनको समझ में आ गया कि जनता अब इनके कहने में आने वाली नहीं है।